और अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल कोलकाता रेप मर्डर कांड की अगर बात करें तो रोज नए नए खुलासे उस पर हो रहे हैं। एक्शन जारी है, न्याय की लड़ाई सड़कों पर जारी है, लेकिन वहीं सियासत भी भारी है। किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है और क्या नए नए खुलासे और नई नई तस्वीर सामने आ रही है, अब हम करेंगे इस पर बात। हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीबीआई के पास 9 दिन हो चुका है, आज 9वां दिन है, उनके पास केस जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को संघर्ष वाली बेटी मानती है ना ममता बनर्जी? महिला का सम्मान आपके राज्य में हो ही नहीं पा रहा है। किस हक से वो मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है? बनर्जी कौन है? जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बात कोलकाता कांड की हो रही है और मेरे आगे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले संजय, फिर संदीप और अब आरूप, ये बता रही है कि ये सोच जो है वो कितनी कुरूप है और अभी कितने और ऐसे किरदार आने बाकी हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या पूरा का पूरा सिस्टम अगर वहां पर देखें तो क्या इसी में लगा हुआ था, इसी में जुटा हुआ था? यही कारण है कि यहां पर सवाल जो अगर उठ रहे हैं ममता सरकार पर या कोर्ट से भी अगर फटकार लगती है कि भैया किसे बचाने की कोशिश हो रही है और कितने किरदार हैं अभी इसके पीछे, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बंगाल कोलकाता कांड की अगर हम बात करें तो लगातार रोज नए नए उस पर खुलासे हो रहे हैं, नई नई तस्वीर उस पर सामने निकल कर आ रही है और हर तस्वीर ये बता रही है कि आखिर कितना बड़ा ये पूरा नेक्सस है, कितना ये पूरा फैला हुआ था और किस तरह से कड़ी दर कड़ी अब खुलती चली जा रही है सीबीआई की जांच में, उस पूछताछ में जिस तरह से वो खुलासे हो रहे हैं। ये दरिंदगी के जो राज हैं ये हम आपको यहां बता रहे हैं तीन किरदारों के जरिए, जो तीसरा किरदार भी अब तक आ चुका है। कल भी हमने आपको दिखाया था पहला किरदार संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी इसमें होती है, जिस पर आरोप है कि इसी ने वो दुष्कर्म किया, वो दरिंदगी की, वो हत्या उसकी की, इतना कि उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए, उसकी आंख फोड़ दी गई। दूसरा किरदार नंबर दो संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल, कई तरह के विवादों के घेरे में, कई तरह के भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों के आरोप संदीप घोष पर। किरदार नंबर तीन जो आज पिक्चर में आता है वो कौन है? अरूप दत्ता, एएसआई पश्चिम बंगाल पुलिस, और ये नजर आता है उन तस्वीरों में, और इन तस्वीरों में नजर आता है साथ में संजय रॉय, जो आरोपी है, जो पूरा ये बताया जा रहा है कि दरिंदगी जिसने की है, वो कुकृत्य जिसने किया है और जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं वो ट्रेनी डॉक्टर्स, ना केवल कोलकाता में बल्कि देश भर में। और न्याय की मांग की जा रही है उस बच्ची के लिए, उस महिला डॉक्टर के लिए। अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि कोलकाता कांड का ये हैवान किस तरह से डॉक्टर रेप मर्डर मामले का ये मुख्य आरोपी है, कौन? संजय रॉय। संजय रॉय की अगर बात करें, वारदात वाली रात मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद था संजय रॉय, सीसीटीवी फुटेज में भी वो नजर आता है और दो अलग अलग समय में नजर आता है। सीबीआई आरोपी का करा चुकी है साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है, आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात की जा रही थी। संजय आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में सिविक वॉलंटियर था, मेडिकल कॉलेज कैंपस में शराब के नशे में घूमा करता था, ये सूत्र बता रहे हैं, ये आसपास अगर आप लोगों से बात करें तो वो बता रहे हैं, और पहले भी महिला डॉक्टर के साथ ये छेड़छाड़ कर चुका है, इसका आरोप लग चुका है इस पर। मेडिकल यानी कि जो उसके उसके जो मित्र रहे होंगे, जो सहयोगी रहे होंगे उस महिला डॉक्टर के, उनसे पूछताछ में ये बात सामने निकल कर आ रही है। इसका मतलब कि उसने अपने उन दोस्तों के साथ उस बात को शेयर किया था, कॉलेज प्रशासन ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था, इसका मतलब ये कि कॉलेज प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन बावजूद उसके वो निश्चिंत रहे, उन्हें नहीं लगा कि इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, या इसमें महिला की सुरक्षा से जुड़ा, सेफ्टी से जुड़ा एक मुद्दा है और यह गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक फिर मामला पहुंचा, संदीप घोष ने उस वक्त भी मामले को दबा दिया था। सीबीआई ऐसे पुराने मामलों को लेकर दोनों से सवाल जवाब कर चुकी है, यह अलग बात है कि दोनों बार बार
घुमा रहे हैं, उनकी विसंगतियां पाई जा रही हैं उनके बयानों में। बंगाल के पुलिस वालों के साथ संजय रॉय का उठना बैठना था, ये तो पड़ोसी भी कह चुके हैं, वो तो कई बार उसको पुलिस की वर्दी में देख चुके हैं। संजय रॉय के परिवार और पड़ोसियों ने इसकी पुष्टि की थी। परिवार कुछ भी कहे लेकिन पड़ोसी ये बताते हैं कि पुलिस की गाड़ी उसको छोड़ने आती थी। ना केवल इतना बल्कि आप ये सोचिए कि जब संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है तो संजय रॉय की गिरफ्तारी भी पुलिस की बैरक से ही होती है। और ये वही आरोप दत्ता है, ये वही आरोप दत्ता है जिसके बैरक से ये गिरफ्तारी हुई थी। किसकी? संजय रॉय की। तो संजय रॉय और आरोप दत्ता का आखिर क्या कनेक्शन है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किरदार किरदार और कड़ी दर कड़ी हम इस मामले को आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से किरदार नंबर दो की अगर बात करें तो वो है संदीप घोष। रेप और मर्डर मामले का अगर हम यहां देखें तो ये दूसरा मुख्य किरदार है जो सामने आता है, और किस तरह से कई राज हैं और इसके जो खुद जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो खुद इस पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लगा चुके हैं। फिर वो भ्रष्टाचार से लेकर तमाम ऐसे विवाद जो सामने आए हैं, और आप देखिए कि जैसे ही संदीप घोष का नाम उठता है, संदीप घोष सवालों के घेरे में आता है, तो वैसे ही उसका ट्रांसफर यहां से कर दिया जाता है। इसको लेकर भी सवाल उठा कि आखिर कैसे आप जांच के बीच में जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसकी भूमिका संदेह के घेरे में है, और वो इस कदर निष्क्रिय, अगर तमाम बातें पहले से ही पता थी आखिर क्यों? तो ये किरदार नंबर दो जो हम यहां आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से 64 घंटे तक पूछताछ की। जी हाँ, और आज 6वें दिन भी आप देखिए कि वो पूछताछ चल रही है। सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन कराने पर घिरा हुआ था संदीप, तो ये हम आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए करा रहा था कंस्ट्रक्शन। आपने देखा कि जहां पर ये घटना होती है उसके ठीक बाद आप देखते हैं कि चेस डिपार्टमेंट में वो रेनोवेशन का उसको नाम दिया जाता है, वहां रेनोवेशन होने लगती है ताकि वो सारे सबूत जो हैं वो नष्ट कर दिए जाएं। छात्रों के लिए रेस्ट रूम तैयार करवा रहा था, ऐसा कहना था कि वो कंस्ट्रक्शन वहां पर इसलिए हो रही थी, मतलब अभी तक वो रेस्ट रूम नहीं था जब मांग की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये कांड होता है इनको रेस्ट रूम की याद आ जाती है, ये रेस्ट रूम वहां पर बनवाते हैं और इसीलिए फिर उसको नाम दिया जाता है रेनोवेशन का। संदीप घोष के बयान से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। सीबीआई ये कह रही है कि लगातार बयान में जो विरोधाभास है वो देखा जा रहा है। सीबीआई के कई सवालों के ऐसे ही गोलमोल जवाब दिए संदीप घोष ने। ये वो किरदार नंबर दो है। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है, यह माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद वो तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो ये गोलमोल दे रहा है, ये अब तक नहीं मिल पाए हैं। कोलकाता पुलिस भी संदीप पर कस रही है शिकंजा, लेकिन अब कस रही है, पहले नहीं कसा, पहले जाने दिया गया, किस तरह से वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई मामले दर्ज हैं, इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आए लेकिन तब पुलिस ने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो शिकंजा कस रही है। कोलकाता पुलिस भी संदीप से करेगी पूछताछ। अब ये देखना होगा कि किस मामले में पूछताछ करती है, पहले क्यों नहीं ये पूछताछ की गई। पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही, पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि राज बेशुमार है। ये दूसरा किरदार है, और दूसरा किरदार कौन है? ये है संदीप घोष।